ये रही भाई हमारी आंखोंदार पतंग, और अभी इसी पतंग को पार करते हैं और काट के दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा पेच आ गया है, जो हमारा अपोनेंट है वो काफ़ी तेज़ी से अंदर की दिखा रहा है। देखो हमने थपथपाई है पतंग, और देखो उसकी पतंग काट दी हमने। यहाँ पे नीचे से हम हैं और ये हम अपनी पतंग चढ़ाते हुए ऊपर थपकी से चढ़ाई चढ़ाई खींची स्ट्रेट, और ये वाली भी काट दी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो भाई आप लोग को पता ही है कि आजकल मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, चारों तरफ बादल हैं, हवा एक नंबर की चल रही है। और देखो अभी मैं कुछ नई पतंगें लेकर आया हूँ मंजोली, और देखो कितने बढ़िया बढ़िया इसमें मैं डिज़ाइन लेकर आया हूँ। सबसे पहले जो आज हम डिज़ाइन उड़ाने वाले हैं वो देखो ये आँखोंदार पतंग है, और काफ़ी दिनों के बाद देखो मैं ये वाली पतंग उड़ा रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं आँखोंदार वाली पतंगें। तो देखो इसमें मैंने इस वाली पतंग मैंने टेपिंग कर ली है, कन्या ने बांध ली है, तो पतंग को हम अभी उड़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये पतंग किसकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसान काइट सेंटर से ली गई है ये वाली पतंग। तो अभी इस पतंग को करते हैं पार, और सामने पतंगबाजी एक नंबर की हो रही, क्योंकि हवा शानदार है और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है। तो चलो पतंगबाजी दिखाता हूँ सामने एक बार, वो देखो कितनी ज़्यादा सामने पतंगें उड़ रही हैं। देखो ये वाली पतंग अभी कटी है, तो अपनी पतंग उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये रही भाई हमारी पतंग, इसे करते हैं पार। और अभी यार कुछ नए मांझे हम लेकर आए हैं, तो उनकी वीडियो भी जल्दी आपको उन मांझों का भी रिव्यू चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई आप क्लब काइट फाइटिंग जो करते हो मैदान से, उसकी भी वीडियो बनाओ। तो देखो मैदान की भी आपको वीडियो मिलेंगी। तो अब देखो वैसे भी छतों की पतंगबाजी अब थोड़ी कम हो गई है, तो आपको ज़्यादातर जो वीडियो मिलेंगी मैदान की मिलेंगी। छतों की भी मैं वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन ज़्यादातर वीडियो आपको मैदान की, मांझा रिव्यू की, काइट कलेक्शन की, ये सारी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो बस चैनल को हमारी ऐसे भी आगे देखते रहना जैसे ही अभी आप सपोर्ट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर हमारी पतंग पार होके जा रही है, और शायद हमारा पेज जो पतंग देख रहे हैं ना आगे उसी से लड़ेगा पहला पेज, तो उससे लड़ा के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला पेज आ गया। जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी हमारी पतंग हम ऊपर से उड़ा रहे हैं, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो नीचे से आ रखा है। तो देखो ये हमारा अपोनेंट चला, उसने अपनी पतंग बचाई तो मैंने भी अपनी पतंग ऊपर कर ली, क्योंकि हमारे पास मौका नहीं था मुड्ढा मारने के लिए, तो हम बेफालतू में अपनी पतंग नहीं कटवाना चाहते। दोबारा पतंग हमने पटकी है, ये हमारे अपोनेंट ने अंदर की दिखाई, हमने पतंग स्ट्रेट गद्दा मार के थपथपा दी और उसकी पतंग काट दी। तो यहाँ पे हमारे अपोनेंट ने क्या गलती करी, उसने काफ़ी नीचे से अंदर की पतंग दिखा दी और हमें काफ़ी टाइम मिल गया उसकी पतंग काटने के लिए। ये रहा देखो एक और पेज रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, और एक और बंदा भाई नीचे से आ रखा है, उसकी पतंग आपको ब्लू सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये पेज थोड़ा वो उठा के लड़ा रहा है, ये फिर से देखो ये दूसरा बंदा था, लेकिन इसने भी वही गलती करी, इसने भी अंदर की दिखाई तो मैंने फिर से पतंग थपथपाई और ये वाली पतंग भी हमने काट दी है। देखो वो कट के जा रही है। यहाँ पे एक और पेज आ गया, देखो रेड वाली मेरी पतंग भी मैं नीचे चढ़ा रहा हूँ, और हमारे अपोनेंट की पतंग ऊपर से रही ब्लू वाली। तो ये चले हम उसके अंदर, पतंग उठाई थपथपाई और काट दी पतंग। देखो पहले मैं थपकियों से मैंने पतंग ऊपर उठाई, और जैसी डोर मिलने वाली थी मैंने स्ट्रेट खींच के उसकी पतंग काट दी। यहाँ पे देखो रेड वाली पतंग मेरी रही, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ और ब्लैक वाला बंदा नीचे से आ रखा है, और चिराव काफ़ी कम है इस पेज में, ये खींची है और कट गई भाई हमारी पतंग। इसमें काफ़ी देर में फैसला हुआ, क्योंकि जो चिराव था ना वो काफ़ी ज़्यादा कम था और हमारी पतंग कट गई है। रेड सर्किल के अंदर हमारी पतंग हम नीचे से उड़ा रहे हैं, और ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है, ये पतंग उठा के दिए उसने, मारा मैंने डायगोनल पट मारा है, और देखो ये काटी उसकी पतंग भाई, कितने प्यार से हमने उसकी पतंग काट दी है, वो कट के जा रही है। और दोस्तों ये वाला पेज उड़ाने के बाद तुरंत यहाँ पे बारिश आ गई थी, तो आज की पतंगबाजी हमने यहीं पर ही बंद कर दी थी, यहाँ पे पतंग हमें उतारनी पड़ गई थी। तो भाई आज है दूसरा दिन, और देखो यहाँ पे हम पेज उड़ा रहे हैं, तो जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी हमारी पतंग हम नीचे उड़ा रहे हैं, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग ऊपर से आ रखा है, और ये पेज थोड़ा लंबा लड़ रहा है, देख सकते हैं आप पतंगें आपको छोटी छोटी दिख रही होंगी, ये मैंने जूम कर रखा है तो आपको दिख रही हैं। फिर बचाए देखो हमारा अपोनेंट भी काफ़ी ज़्यादा चलाकी से पेज उड़ा रहा है, हम भी काफ़ी ज़्यादा चलाकी से पेज उड़ा रहे हैं, दोनों मौका ढूंढ रहे हैं, जिसने गलती करी वो कटेगा, चक्कर वो भी दे रहा है, मैं भी चक्कर दे रहा हूँ, दोनों मौका ढूंढ रहे हैं कि कौन पहले खींचेगा, ना ही उसने खींची ना ही मैंने खींची, तो पेज यहाँ पर दोबारा होगा। फिर आया हमारा अपोनेंट,
खींची खींची और भाई चक्करों में भी इसने मेरी पतंग काट दी। काफ़ी अच्छा पेच काट दिया, मैं सोच रहा था ये पतंग अपनी रोक लेगा लेकिन ये खींचता हुआ ले गया। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले वाला पेच तो हमारा काफ़ी अच्छा हमारे अपोनेंट ने काटा, हमारे अपोनेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। देखो वो एक ही रुख में अपनी पतंग खींचता हुआ ले गया, मुझे लगा वो पतंग रोकेगा लेकिन उसने अच्छा पेच काट दिया। तो यहाँ पे हमने एक और पतंग पार करी है, रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग भी वो ऊपर चढ़ा रहा हूँ और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग भी वो नीचे से है। देखो कितना नीचे वो घुस जा रहा है, मुझे पतंग दिख नहीं रही है लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ये बंदा मुझसे पेच नहीं लड़ाए, क्योंकि और कोई लड़ाने वाला है नहीं तो इससे मुझे पेच लड़ाना ही पड़ेगा। ये बनाया मैंने अंदर का, देखो अंदर का रखा है मैंने, जो मैंने पतंग अपनी पटकी थी मतलब गद्दा जो मारा था मैंने हल्का सा अंदर का उसका मारा था, अंदर के हाथ का। और देखो हमने उसकी पतंग काट दी, पतंग भी हमारी उठ के आ गई है, देखो पेड़ में फंस गई है हमारी पतंग। तो चलो पेज हमने काट दिया, पतंग हमारी जो फंसी वो हम निकालते हैं और फिर आपको नेक्स्ट पेज लड़ा के दिखाते हैं। यहाँ पे देखो एक और पेज आ गया, तो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग नहीं, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से है। और ये वही बंदा जिसने अभी हमारी पतंग काटी थी चक्कर ऊपर ही, तो इसकी पतंग तो हमें काटनी है। ये देखो क्या काटी भाई मैंने पतंग, खुद की तारीफ मैंने खुद ही कर दी। फिलहाल देखो इस वाले पेज में क्या हुआ था ये मैं आपको अभी स्लो मोशन में दिखाता हूँ, शायद काफ़ी लोग समझ गए होंगे मैंने क्या करा, काफ़ी लोग नहीं भी समझ पाए होंगे तो आप स्लो मोशन में देखो। तो इस वाले पेज में क्या हुआ, मेरी पतंग नीचे से थी, पहले हमारा अपोनेंट निकला बाहर का, मैंने भी दिखाया कि मैं बाहर का लिख लूँगा, और जब हमारा अपोनेंट पूरा बाहर का लेके निकल रहा था मैंने चक्कर घुमा के पतंग उसी के हाथ की तरफ खींच के उसकी पतंग यहाँ पे काट दी। यहाँ पे देखो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी हमारी पतंग है, नीचे से वाइट वाला उड़ा रहा है, चलो इसकी भी काटते हैं। ये कट गया भाई, मुंह से ही काट दी हमने, काफ़ी छोटी पतंग उसने कर रखी थी। और लड़ाते हैं दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखो एक और पेज आ गया, जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी ये हमारी पतंग है, नीचे से लड़ा रहे हैं, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से लड़ा रहा है। और देखो ये बंदा जस्ट मेरे पीछे से उड़ा रहा है, तो जो देखो जो बंदे एकदम पीछे से उड़ाते हैं ना उनकी डोर थोड़ी देर में मिलती है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा इस वाले पेज में, ये बंदा मेरा मुंह पकड़ रहा है, पतंग अच्छी चला रहा, देखो ये उठा के दी मैंने फिर बचा ली उसने, ये इसने खींची मैंने अंदर की दिखाई, यहाँ पे डोर नहीं मिली है, ये मौका मिला मुझे और देखो मैंने उसकी पतंग मुंह से ही काट दी। तो यहाँ पे देखो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और काफ़ी अच्छा पेज यहाँ पे काटा है, तो मैं स्लो मोशन में ये वाला पेज भी आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों इस वाले पेज में क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, मेरी पतंग नीचे से रही और हमारा अपोनेंट ऊपर से है। तो पहले क्या हुआ, मैंने पतंग उसे उठा के दी, देखो जब उठा के दी तो हमारे अपोनेंट को मौका मिला, उसने बाहर की खींची लेकिन उसी समय मैंने अंदर का रुक दे दिया, लेकिन वो बंदा मेरे पीछे से था तो डोर नहीं मिली और उसने अपनी पतंग चक्करों पे डाल दी, और जहाँ मुझे मौका मिला मैंने वहीं पतंग बाहर की खींच ली। अगर कोई बंदा चक्करों पे पतंग डालता है और हवा हल्की होती है तो अगर आप बाहर की खींचते हो तो काफ़ी आसानी के साथ आप उसकी पतंग काट दोगे। तो यही मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और यहाँ पे इसकी पतंग काट दी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और देखो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आज की जितनी भी मैंने पेज लड़ाए उसमें आपको सबसे बढ़िया पेज कौन सा लगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।